इरेस्ट्रा टीवी के मोहिज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराची के इलाके गुलस्तान जौहर ब्लाक 17 में खातून की सरेआम तजलील और बदतरीन तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया दो रोज़ कबल पेश आया जबकि पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने भी खातून पर सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद का नोटिस ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान बहस होती रही। सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक खातून को जोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाते ही खातून जमीन पर गिर गई और उठने की कोशिश की। इसी दौरान बेरहम सिक्योरिटी गार्ड ने खातून के मुंह पर जोर से लात भी मार दी। भारी बूट मुंह पर लगते ही खातून बेहोश हो गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खातून पर सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची को सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। नाज़रीन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुतासर खातून की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी गार्ड दाऊद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आप अपनी राय का इजहार इस अफसोसनाक वाकया के हवाले से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।